नमस्कार दोस्तों, मैं गजानंद जगरवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है टारगेटेड जीओवी जॉब्स पे। यहाँ हम वायरस विषाणुओं के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने विषाणु क्या होते हैं, कोरोना वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निपाह वायरस। ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहला हम देख रहे हैं कि विषाणु विज्ञान क्या होता है, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वायरोलॉजी। तो विषाणु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। जो विषाणु विज्ञान है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम विषाणुओं का या वायरस का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं विषाणु विज्ञान, या इंग्लिश में बोलते हैं वायरोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द वायरसेज, वायरस का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी। जैसे अभी कोरोना वायरस आ रहा है, तो कोरोना वायरस की स्टडी चल रही है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे उसको रोका जा सकता है, तो वो किसके अंतर्गत चल रही है? विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी। जूनोटिक बीमारी, जूनोटिक, तो ऐसी बीमारी जो जानवरों से किसमें आती है, मनुष्य में संचरित होती है, उसको बोलते हैं हम जूनोटिक। अब ये कुछ एक जो वायरस है वो जानवरों में या तो पहले से ही मौजूद होते हैं, या जानवरों में भी कहीं और से आते हैं, और फिर कि कहाँ पर आ जाते हैं, वो मनुष्य में आ जाते हैं। तो जानवरों से मनुष्य में आती हैं, उस बीमारी को हम बोलते हैं जूनोटिक बीमारी। जाने निपाह वायरस को। तो निपाह वायरस क्या चीज़ है? तो देखिए दोस्तों, निपाह एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसान में आता है, जानवर से इंसान में। तो ये किस तरीके का वायरस हो गया? जूनोटिक वायरस हो गया, क्योंकि जूनोटिक वायरस होता है ऐसा वायरस जो जानवर से इंसानों में आते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो कोरोना वायरस भी जानवर से इंसान में आया है, तो इसलिए उसको भी क्या बोल सकते हैं? जूनोटिक वायरस बोल सकते हैं। निपाह वायरस भी क्या हो गया? एक जूनोटिक वायरस हो गया। इस वायरस का फैलना फ्रूट बाइट है, फ्रूट बाइट, फ्रूट यानी फल, बाइट यानी खाना। अगर कोई भी जानवर है वो फल खा लेता है, या खासकर निपाह वायरस में क्या होता है, यदि कोई चमगादड़ कोई फल खा ले तो वो क्या करता है, अपनी लार को फलों में छोड़ देता है, जिससे फल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, दूषित हो जाता है या संक्रमित हो जाता है। अब यदि उस फल को कोई जानवर या इंसान खा लेता है, तो वो आदमी भी उस वायरस की चपेट में आ जाता है। किसी चमगादड़ ने कोई पेड़ पे लगा हुआ फल चख लिया, खा लिया थोड़ा सा, फिर यदि अगर हम उस फल को खा लेंगे तो हम भी उस वायरस की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, फ्रूट्स को धो के खाना चाहिए। पहली बार निपाह वायरस की खोज कब हुई थी? 1997, 1998, 1999, 2000। तो सबसे पहली बार वायरस की खोज हुई थी 1998 में। पहली बार निपाह वायरस की खोज कहाँ हुई थी? मलेशिया, पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया। तो सबसे पहले निपाह वायरस की खोज हुई थी मलेशिया में। कब हुई थी? 1998। तो 1998 में मलेशिया में हुई थी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कहाँ हुई थी, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कब हुई थी, तो हमें दोनों याद रखना, 1998 मलेशिया। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, सबसे पहले तो निपाह वायरस को NIV, एन यानी निपा, NI यानी निपाह और V यानी वायरस, तो शॉर्ट फॉर्म हो गई NIV। ये मलेशिया के कंपुंग सुंगाई निपाह में सबसे पहले निपाह में देखा गया था, इसलिए इस वायरस का नाम भी किस पे, इसी गांव के नाम पर इसका नाम पड़ गया, निपाह। और ये सबसे पहले हुआ क्या था, जो सुअर पालने वाले किसान थे उनके अंदर मिला था, जो लोग वहाँ पे सुअर पाल रहे थे वहाँ पर मिला था। तो ये एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ से उठा था, तो सूरों से उठा था। और 1998 या 99 में भी सूरों को फिर मारा गया था, WHO ने ऑर्डर दिया था, WHO ने बोला था कि इंडो जो मलेशिया में है, और मलेशिया सरकार ने मिलिट्री की सहायता लेके जहाँ वहाँ पर जितने भी सूअर थे सबको मारा गया था, तभी इस वायरस को रोका गया था। अभी तक इस वायरस की कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। निपाह वायरस की खोज किसने की थी? डॉक्टर कोबिंग चुआ, डॉक्टर स्टीव फिंच, डॉक्टर मार्शल ग्लोव, इनमें से कोई नहीं।
तो निपाह वायरस की खोज की थी डॉक्टर कोबिंग चूहा। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि उन्होंने इस वायरस की खोज कैसे की। तो हुआ क्या था, डॉक्टर कोबिंग 1999 में रविवार एक शाम पहली बार सैंपल को इस स्लाइड पर रखकर टेस्ट किया, तो उन्होंने देखा कि हरे रंग की रोशनी हो गई और ऐसा दुर्लभ और खतरनाक वायरस दुनिया में पहली बार ही किसी ने देखा था। ऐसी स्टडी लेकर वो अपने प्रोफेसर के पास गए और उनके प्रोफेसर ने क्या बोला कि इसको, इस एक्सपेरिमेंट को कचरे में फेंक दो। तो दोस्तों वहाँ पर भी डॉक्टर कोबिंग चुआ रुके नहीं, उन्होंने अमेरिका में इस रिसर्च को भेजा और अमेरिका में फिर ये अमेरिका वालों ने ये डिसाइड किया कि एक नए तरीके का वायरस है और उसका नाम क्या रखा गया, निपा वायरस। इसलिए दोस्तों अगर हम सही हैं और अगर हमें लगता है कि हम सही है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, उस रिजल्ट को आगे ले जाना चाहिए। तो ये भी हमें डॉक्टर कोबिंग चुआ से सीखना चाहिए, जहाँ उसके प्रोफेसर ने बोल दिया था कि इस एक्सपेरिमेंट को कचरे में फेंक दो, वहीं पर उन्होंने इसको रिसर्च को अमेरिका भेजा और अमेरिका में फिर ये प्रूफ हो गया कि एक नए तरीके का वायरस है जिसका नाम है निपाह। अगला प्रश्न है, भारत में निपाह का मामला, ये निका लिखा गया सॉरी, निपाह का मामला सबसे पहले कहाँ आया था, पणजी, त्रिवेंद्रम, गुंटूर, सिलीगुड़ी। तो सबसे पहले जो निपाह का मामला आया था वो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में आया था। भारत में पहली बार निपाह पश्चिम बंगाल में फैला था। इन्फेक्शन भारत में पहली बार 2001 और 2007 में संक्रमण पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले और उन क्षेत्रों में फैला था जो बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के करीब रहते थे। तो सबसे पहले फैला था सिलीगुड़ी में। निपाह वायरस सबसे पहले किस जानवर में देखा गया, सुअर, बकरी, हिरण, बंदर। तो सबसे पहले दोस्तों मलेशिया में मिला था और मलेशिया में किसके कारण हुआ था, सुअर के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुअर। निपा वायरस किससे फैलता है, तो निपा वायरस ऑप्शन से बंदर, हिरण, चमगादड़, कुत्ता। तो देखिए अब जो निपा वायरस देखा जा रहा है वो चमगादड़ों के कारण फैलता है। मैंने पिछली स्लाइड भी बता दिया कि चमगादड़ क्या करते हैं, फल को खा लेते हैं तो अपनी लार फलों में छोड़ देते हैं जिससे वो फल संक्रमित हो जाता है। अब वो फल अगर कोई जानवर खा लेगा तो जानवर के हो जाएगा, अगर कोई इंसान खा लेगा तो इंसान के हो जाएगा। और निपा वायरस जो है सबसे पहले दिमाग पे असर करता है, ब्रेन पे, और जिससे जिस आदमी या जानवर के हुआ है वो या तो कोमा में चला जाता है या उसकी मौत हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है जो कि सबसे पहले दिमाग पे असर करता है। देखिए दोस्तों निपा वायरस को दो प्रकारों से जाना जाता है, एक तो NIVM जो कि है मलेशिया और एक है NIVB जो कि है बांग्लादेश। ये इसलिए क्योंकि NIVM यानी निपा वायरस मलेशिया में फैला था वो सुअरों के कारण फैला था, और जो निपा वायरस बांग्लादेश में फैला था वो फैला था चमगादड़ों के कारण। तो इसलिए इनका अलग अलग नाम दिया है, NIVM और NIVB, निपा वायरस मलेशिया, निपा वायरस बांग्लादेश। तो देखिए दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।